सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असेंबली तहलील अज खुद नोटिस केस में क्या अहकाम जारी किए हैं? कल अटॉर्नी जनरल इस बात पे अदालत की रहनुमाई करें कि डेप्टी स्पीकर का आज का हुक्म कानून और आईन में क्या हैसियत रखता है। वकील फारूक चिनाई साहब अदालत के सामने ये नुक्ता वाजे करें। दस्तूर में आर्टिकल 69 में मौजूद बार के क्या मायनी है और इस बार की क्या तशरीह हो सकती है। डेप्टी सेक्रेटरी दिफा और वफाकी सेक्रेटरी को हुक्म दिया जाता है कि वो मुल्की सतह पर कानून की पाबंदी करवाएं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहाल रखें। सेक्रेटरी पंजाब को भी हुक्म दिया जाता है पंजाब में कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अब दोपहर को समाअत दोबारा होगी। ये अदालत सियासतदानों से तवक्को रखती है वो आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। हाँ जी, चीफ जस्टिस साहब ने तो ये फरमा दिया है। अब आप क्या कहते हैं ये मैं बाहर जाके सुनूंगा।